हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ लखनऊ की कढ़ी स्पेशल बनाने। लखनऊ में किस तरह से कढ़ी बनती है वो बनाऊंगी और तेजस को आज मैं कढ़ी और रोटी दूंगी। तो बस वो आप सबके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। जो लोग लखनऊ के हैं उनको पता होगा कि लखनऊ में किस तरह से कढ़ी बनती है और थोड़ी सी डिफरेंट रहती है मगर बहुत टेस्टी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ बेसन, और ये देखिए कितना काम आता है जब पैक आप खोलो ना, तो कितना काम आता है। इससे आपका प्रोडक्ट नहीं ख़राब होता है, खाना पीना नहीं ख़राब होता है। तो मैंने आपको बताया था मैंने कहाँ से लिया है। तो मैं ले रही हूँ बेसन अपने हिसाब से, आप 1-1.5 कप भी ले सकते हो। अभी हम पकौड़ी बनाएंगे तो उस हिसाब से बेसन ले रहे हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेंगे ताकि मतलब कि जो है तेजस को खाने नाश्ते में भी दे देंगे। इसमें जितने भी लम्स है ना उसको हाथ से वो कर लेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, पकौड़ियाँ बनेंगी नहीं सही। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, थोड़ी सी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी आप देख सकते हो। थोड़ी सी रब करके डालूंगी अजवाइन, क्योंकि बेसन है तो बेसन जो होता है पेट के लिए हैवी होता है, इसलिए अजवाइन डाली है। और डालूंगी नमक अपने टेस्ट के अनुसार, मगर थोड़ा कम ही रखिएगा पकौड़ियों में, क्योंकि जो है आपको अभी रसा भी बनाना है, कढ़ी भी बनानी है, तो इसलिए नमक कम होना चाहिए। और कश्मीरी मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी हींग, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा निकल आई है, तो इतनी सी हींग, बहुत ज़रा सी। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे धीमे धीमे करके, ताकि लम्स ना बने। तो अब मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगी जो लखनऊ वाले जरूर डालते हैं कढ़ी में, वो है दूध। तो कच्चा दूध मैं डाल रही हूँ और ठंडा डालना है, गरम नहीं डालना है, इसलिए कच्चा डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, इससे आपकी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डालूंगी, थोड़ी सी, और जो है फेटूंगी, बहुत थोड़ी सी, इतनी सी डालूंगी।
आसपास, क्योंकि बिना प्याज के पकौड़ी कढ़ी खाना मज़ा नहीं आता है। हल्की सी डाली है, देखिए बहुत महीन काटी थी मैंने। मैंने सारी पकौड़ियाँ निकाल ली हैं और पकौड़ी बहुत ही स्पंजी बनी थी दूध की वजह से। और यहाँ पर देखिए मैं बाउल में जो है दही को फेंट रही हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने 1.5 चम्मच बेसन लिया है, उसी बाउल में मैं डाल रही हूँ जिसमें दही है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। और ऑलरेडी उसमें जो है पहले से ही जो बेसन वाला कटोरा था उसमें ऑलरेडी बेसन था, तो उस हिसाब से मैंने बेसन लिया। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली है, आप देख सकते हो, ताकि कढ़ी में अच्छा कलर आए। और जब तक कढ़ी में कलर नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसमें 1/2 कप दूध डाला है कच्चा। अब आप लोग कहोगे कि दूध डाल दिया है दही में तो कढ़ी जो है फट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखिएगा, और कढ़ी में दूध डालने से थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर की आती है कढ़ी, और बहुत यमी लगती है, टेस्टी। और इसमें कम से कम नहीं तो मैं 2 से 2.5 गिलास पानी डालूँगी ताकि जब ये पके तो अच्छी तरह से पक सके। और दूसरी बात, ये कढ़ी गाढ़ी हो जाती है धीरे धीरे क्योंकि इसमें बेसन होता है, तो आप देख सकते हो। अभी मैं और भी पानी ऐड कर दूँगी इसमें, और एक तरफ मैं चाय निकाल रही हूँ। आप सभी जानते हो कि मेरे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा बनती है, और चाय कौन पीता है ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर आपको नहीं पता है तो पुराने वाले व्लॉग्स देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए छौंका लगाते हैं कढ़ी का। तो मैंने लिया 1 तेज़पत्ता, कुछ मेथी के दाने और सरसों, और सरसों के तेल में ही मैं जो है कढ़ी को छौंका लगा रही हूँ। आप देख सकते हो तेल हो गया है, और बस छौंका लगा दूँगी, सिंपल सा छौंका लगाना है। और आप देख सकते हो छौंका लग गया, और इसको जो मैंने घोल रखा हुआ था कढ़ी वाला, इसको डाल दूँगी। हाँ, एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी। जैसे ही आप इसको डालें तो थोड़ा सी गैस को तेज कर दें, और देखिए उबाल आने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटती। तुरंत आप पका लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगी। ये देखिए आपकी कढ़ी एकदम बढ़िया सी हो गई, ये देखिए कहीं भी आपको फटी कढ़ी नज़र नहीं आ रही है। और मैं फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ, उस साइड मेरी कढ़ी चढ़ी हुई है, और जब तक वो पकेगी धीमी धीमी आँच में, एक बार मुझे खोल देना था, उसके बाद धीमी धीमी आँच में उसको पकाना था ताकि वो गाढ़ी हो जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए, कलर आ जाए। तो आप देख सकते हो मैं टाइम देखती जा रही हूँ कहीं लेट ना हो जाए तेजस को। तो बस मैं फटाफट मैं जो है रोटियां बना रही हूँ। मैंने कहा रोटियां उसके टिफ़िन के लिए बना दूँ, उसके बाद मैं कुछ और अदर काम करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं फटाफट रोटियां बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी हो गई तैयार, और मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में मैं चावल बनाऊंगी, एक ही कुकर है। तो मैं आपको बता दूं अभी इसमें तड़का लगेगा, तड़के में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी। और अभी मैं नहीं लगाऊंगी, अभी मैं बाद में लगाऊंगी, जब हम लोग को खाना होगा तभी मैं तड़का लगाऊंगी। और तेजस को मैंने टिफिन दे दिया है, और अब जा रही हूँ किचन क्लीन करने। चलिए, तो यहाँ पर मैं दोबारा चाय बना रही हूँ, और आप देख सकते हो, और दोबारा चाय बना के मैंने निकाल दी है। और बस मैं चाय निकालने के बाद मैं जो है फ़िल्टर लगा रही हूँ, फ़िल्टर भी भरना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो लाइट चली जाती है तो फ़िल्टर जो है नहीं भर पाता है। और देखिए मैं जो है बर्तन मांजने जा रही हूँ, बर्तन धुलने जा रही हूँ, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सुबह टिफ़िन के बाद बर्तन काफ़ी अच्छे खासे निकल आते हैं, और इस समय मैंने खाना भी बना लिया था साथ में, कि मैंने कहा टिफ़िन के साथ खाना भी बन जाए तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा। और टाइम क्या, मुझे और भी काम करने थे, तो बस मैंने बर्तन
जो है धुल लिए, क्योंकि मुझे और भी काम होता है, तो मैंने कहा कि तुरंत का तुरंत धुल लो, ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो किचन भी क्लीन लगती है। तो बस मैं बर्तन धुल रही थी, आप देख सकते हो। और आजकल जो है सर्दी बढ़ गई है, तो पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मगर धुलना पड़ता है। और जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी में, क्योंकि सर्दी आ जाती है तो थोड़ा से खांसी जुकाम हो जाता है, और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं जो है कोशिश यही करती हूँ कि सुबह जल्दी काम कर लूँ तो ज़्यादा सही रहता है, शाम को जल्दी पानी में हाथ नहीं डालती हूँ। तो बस हो गया है मेरा किचन क्लीन, और आप देख सकते हो कि मैं कप स्टैंड में कप लगा रही हूँ, और बस गैस को भी मैं पोंछ दूँगी। पूरी तरह से हमारी किचन हो गई है क्लीन, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा किचन हो गया है क्लीन और किचन का काम भी हो गया है ख़त्म। और चलिए अब चलते हैं रूम में और रूम का काम करते हैं, चलते हैं रूम में। तो फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी हो गई है तैयार, और आप देख सकते हो मैंने छौंका लगाया है इसमें राई और हींग और मिर्चे का, आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स, मेरा खाना हो गया तैयार और कढ़ी भी मैंने आपको दिखा दी है। तेजस आ चुके हैं, पानी दे रहे पानी तो तेजस आ चुके हैं घर, तो चलिए खाना निकालते हैं इन लोगों के लिए। पानी। आज तेजस ने 2-3 बॉटल जो है पानी पी लिया है, स्कूल में 2-3 बॉटल, ये बॉटल 2-3 पी ली है, सोचिए इतनी सर्दी में 2-3 बॉटल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तेजस जो है टिफ़िन पकड़ा रहे हैं, और कह रहे थे कि बहुत अच्छा कढ़ी बनी है, और रोटी और कढ़ी दी थी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था टिफ़िन में, तो मैं सिंक में टिफ़िन डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। और चलिए खाना खाते हैं। तो मैंने खाना निकाल लिया है, और आलू और सोए की सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी, मैंने कहा कि बना लेते, पता नहीं तेजस टिफ़िन में कढ़ी लेके गया है, पता नहीं दोबारा खाए कि ना खाए, तो इसलिए मैंने जो है बना दी थी। तो देखिए रोटी है और कढ़ी है, और देखिए कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। चलिए आ जाइए खाना खाने, नहीं तो फिर मत कहिएगा कि रुचि ने पूछा नहीं। तो बस मैं सबको सर्व कर रही हूँ, और आज जो है मुझे बहुत ज़्यादा काम है, आज जो है बहुत सारे काम थे मुझे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कार्ड, और कार्ड किसके लिए बना रही हूँ अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और आज मैंने दिन में रेस्ट भी नहीं किया है, क्योंकि खाना खाने के बाद सीधे मैं इस काम में लग गई, मुझे कार्ड बनाना था, प्रोजेक्ट था, तो बस मैं बना रही थी। और तेजस जो है शैतानी कर रहे थे, आप देख सकते हो। आज मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया, तो तेजस ने भी रेस्ट नहीं किया और शैतानी करने में बिज़ी थे। ये देखिए क्या क्या करते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं, कैमरे के आगे कैमरा लगा हुआ है और ये डांस करते जा रहे हैं, शैतानी करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने कार्ड कंप्लीट कर लिया है, और ये देखिए मैंने ये कार्ड बनाया है, आप देख सकते हो, मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से है अंदर और इस तरह से है बाहर। ये कार्ड तेजस के लिए नहीं, मैंने दीदी की बेटी के लिए बनाया, उसका स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो मैंने, मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उसके लिए बना दिया है, अब कोई आएगा तो ले जाएगा ये। तो आप देख सकते हो कैसा है ये कार्ड, कैसा बनाया है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों के साथ हम लोग की भी पढ़ाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सुबह से काम करते करते आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, और सुबह 5:30 बजे मुझे उठना पड़ता है, आप सभी जानते हो। और आज मैंने दोपहर में रेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि कार्ड बना रही थी। तो इस समय बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, 7:10 बाकी हैं, तो आप सोच सकते हो इतना टाइम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और तेजस उधर पढ़ रहे हैं, उनको देखती रहूँगी क्या उनको देना है काम, बहुत करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। बाय, गुड इवनिंग।